तो अब इंटरनेट डेटिंग, प्लीज डैड थोड़ा आराम से प्लीज। क्या प्लान है तुम्हारा? इस बेहूदगी में स्पेशलाइज करना चाहते हो? यशवंत दीप का बेटा, PhD इन इंटरनेट डेटिंग। बोलो युवराज, मैं जानना चाहता हूं। क्या बताऊं डैड, प्लीज डैड, डैड वेल जो तुम्हारा मन करे बता दो, सब कुछ या कुछ भी। युवराज अपने बारे में बताओ, क्या चल रहा है आजकल? जी वो आप एक रिलैक्स, बैठो बैठो सर। डैड इको के एग्जाम्स चल रहे हैं। मैं तुम्हारे एग्जाम्स के बारे में नहीं जानना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। क्या करते हो आजकल? सिर्फ अपने इन बेवकूफ दोस्तों के साथ इंटरनेट चैट या फिर बाहर भी एक दुनिया है, वो दुनिया जिसमें तुम्हें कदम रखना है। तुम्हें क्या लगता है, ये मौर्य हाई के हीरो बनने से तुम सचमुच बन गए हीरो? क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को नहीं जान सकते जो लड़कियों और कपड़ों के अलावा भी कुछ और जानते? ऐसा नहीं है डैड, मेरे और भी दोस्त हैं। इनफैक्ट कुछ नए दोस्त बने हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट हैं और जिनकी वे ऑफ थिंकिंग शायद आपको भी पसंद आएगी। यू विल अप्रूव ऑफ देम डैड। तो वो जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड, कोई लड़की? डैड वो एक्चुअली अरे भाई तुम्हारा बाप हूँ यूवी, तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। डैड ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट शी इज जस्ट अ फ्रेंड, और जब तक अन्वेषा है मैं वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में पड़ो। और ये भी याद रखना कि तुम्हें तुम्हारी लिमिट याद रहे। ओके नो डैड, नो वे, बिल्कुल नहीं। गुड, एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या है? डैड डैड मैं चलता हूँ। ऑलराइट ठीक है, जा एक मिनट होल्ड करो, मैं तुमसे शाम को बात करूंगा। ओके हाँ छेटन, बात तुझसे ज्यादा की हुई थी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जबान का पक्का हूं, चाहे वो मेरी जबान हो या किसी और की। समझ गए तुम? रियली प्री, ये बहुत सीरियस है, हमें मेहर पर स्ट्रिक्ट वॉच रखना पड़ेगा 24 आवर्स। अब क्या हो गया उसको? ओह गॉड, टिया तुम्हें नहीं बता सकती। अब क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि तुम सबको जाकर उस असीम को बता दोगे, इसलिए। नो टिया, नेवर, और मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम्हें पता है। पता है इसलिए तो नहीं बता सकती, तुम नहीं बताओगी लेकिन वो पेनफुल असीम फोर्स कर तुमसे सारी बात निकलवा लेगा। क्या उसे अच्छी तरह से जानती है? असीम पेनफुल नहीं है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। He loves me, टिया। प्लीज बेब्स, टिया को उसके बारे में बात नहीं करनी है। प्री, this is important, very important. प्लीज टिया, बताओ ना। आई होप तुम ये भूल नहीं गई हो।
कि मैंने तुम्हारे बाल वन बाय वन करके निकाले थे, याद है ना? टिया कुछ नहीं बोली है, सब कुछ याद है टिया को, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट ट्री. ठीक है, मत बताओ, लेकिन फिर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना, ओके? प्लीज बेब्स, ये कोई जोक नहीं है. टिया वैसे ही तुम्हारी वजह से फेल हो गई है, तुम टिया के साथ ऐसा नहीं कर सकती. राइट. वैसे भी टिया तुम्हें बहुत ही सिंपल चीज करने को कह रही है. प्री, हम दोनों को मेहर पर नजर रखनी होगी. टिया ये अकेले नहीं कर सकती, प्लीज. ओके ओके. यू अगेन? हाँ, आप मेरा शोल्डर डिसलोकेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्यों? आप मुझसे बात कर रहे हैं? आपने मुझे आते नहीं देखा? आप मेरे लिए इनविजिबल हैं मिस्टर राहेच. वैसे आप यहाँ कर क्या रही हैं? आपकी बेटी तो लंदन में है ना? माइंड योर बिजनेस. आई एम. वैसे हम दोनों दो नॉर्मल सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स की तरह बात नहीं कर सकते कभी? लेकिन उसके लिए नॉर्मल होने की जरूरत है तनिजा. मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ. ऐसा तुम्हें लगता है? देखिए आप वंडरफुल, आप दोनों को एक साथ देखकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है. मेरी पेरेंट्स वर्कशॉप के बेस्ट स्टूडेंट्स. एक और वर्कशॉप हो जाए? ग्रेट आइडिया. ऑफ कोर्स नॉट, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली हमने सब मैनेज कर लिया है. क्या मैनेज कर लिया है? सारी प्रॉब्लम्स मैनेज कर ली है. और हम ये क्या कर रही हैं? अरे इन्हें दिखा रही हूँ कि हम दोनों कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट? ओह ऑफ कोर्स वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. हां, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. देखा मिस्टर राघव दत्त, आइए मैं आपको अपने नए फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराऊं. ये है मिस्टर गुरप्रीत राहेजा. सुमित आहूजा. आहूजा? आहूजा. हाँ. देखा, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी दोस्ती कर लेनी चाहिए. देखो हम दोनों कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स जैसे. या वेरी क्लोज. वेल, आप दोनों काफी क्लोज लग रहे हैं. ऑफ कोर्स वेरी क्लोज. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. सी यू. बाय बाय. बाय. क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कर क्या रही थी? एक्टिंग. तुम्हें प्रॉब्लम है मखीजा? आई हैव अ प्रॉब्लम. मुझे क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये टचिंग पसंद नहीं है. कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू सलूजा? तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने टच करना नहीं सिखाया? हे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? हाँ, नहीं है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे करीब आती हूँ, तुम्हें टच करती हूँ, तुम इतने क्या इतने स्टिफ क्यों हो जाते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड से कहो तुम्हें बिहेव करना सिखाए. Excuse me, girls. Autograph नहीं, हम बाद में, please. Okay, bye. Hi. तुम लोगों ने यहाँ किसी लड़की को देखा? She's not from the school. She's a visitor. वो अंदर है. Thanks. सॉरी, आपको वेट करना पड़ा. इट्स ओके. अच्छा, तो टूर यहीं से शुरू करते हैं? ये क्लासरूम एरिया है. मौर्या में सारे क्लासेस ऐसे ही है. इट्स नाइस, रूमी एंड एयरी. या यू आर राइट. यू नो, ये क्लासरूम्स सिर्फ स्टूडेंट कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. नाइस. हाय. ओह, हाय यूवी. व्हाट इज इट? नथिंग ग्लोरिया. आपको मैंने कहीं पहले भी देखा है. ये स्कूल में इंफॉर्मेशन लेने आई है, इन्हें किसी को एनरोल कराना है. Oh, I see. आपको? मेरे भाई को. Oh, I assume younger brother. UV, what is it? Gloria, तुम्हारे लिए ऑफिस में कोई फोन है. UV, प्लीज कह दो ना, मैं बिजी हूँ. I'm busy right now. वो अर्जुन मिला था, कह रहा था अर्जेंट है.
यू भी जो भी हो कह दो ना, मैं बाद में फोन करूंगी प्लीज। ग्लोरिया, ही साउंडेड प्रीटी सीरियस एंड आई थिंक यू बेटर टेक दिस कॉल। आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे फोन लेना पड़ेगा। नॉट अ प्रॉब्लम, एक काम करता हूँ, मैं इन्हें स्कूल दिखा देता हूँ इफ यू डोंट माइंड, और जैसे ही स्कूल दिखा दूंगा वापस ऑफिस ले आऊंगा। इज दैट फाइन? ओह दैट्स ग्रेट, थैंक्स यूवी, आई विल सी यू। ओके बाय 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 ग्लोरिया। आइए मैम, मैं यहाँ पे स्कूल दिखा देता हूँ। श्योर, प्लेजर सर, प्लीज। आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? रिंकू, मैं अपनी पूरी जिंदगी में ममम के बगैर कभी नहीं रही, मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे सभी लोग उसे इतना मिस कर रहे हैं, उसके बिना तो स्कूल एकदम अजीब सा लगता है। और यहाँ आकर तो मुझे उसकी कमी और महसूस होती है। पता, ऐसा लगता है जैसे अभी वहां से भागती हुई आएगी और कहेगी, मॉम नॉट मॉम, आशी, ओके, हे भगू, इनको कोई समझाओ। बिल्कुल। एनीवे, सोनिया आंटी, कुकी बता रही थी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मेजर प्रॉब्लम। क्या हुआ? मुझे आशी से बात करनी है अर्जेंटली। फोन आया तो था पर पूरी बात नहीं हो पाई। ओ, मेरे पास तो अरुणब के ऑफिस का नंबर है और वहाँ तो हमेशा आंसरिंग मशीन ऑन रहती है। ओ आई सी। एनीवे, तुम बताओ कि तुम्हारी क्या मेजर प्रॉब्लम? क्या लैंग्वेज है? मेजर, टोटली डूड, प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम। समझ गई, वो लड़का तुम्हें पसंद है। एक्चुअली थोड़ा मेकओवर की जरूरत है, बस थोड़ा नहीं, मेजर। नो नो नो, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आशी का प्रॉब्लम है। वरुण आशी के बारे में टोटली नट्स है और मैंने उसे जाके बता दिया कि आशी भी उसके बारे में सेम फील करती है। यू मीन इस लड़के के लिए आशी की फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? टोटली, आशी की तरफ से 2 ईमेल्स क्या आ गई, ये वरुण तो टोटली चेंज मैन हो गया, कॉन्फिडेंट और चाबी बदल गई है। और ये सब मेरी मामम के वजह से हुआ है। वंडरफुल। क्या वंडरफुल, आशी ने वरुण की हमेशा हेल्प की है और अब मुझे वरुण को आशी की तरफ से लिखते हुए डर लग रहा है, आशी वापस आकर मेरा ही मर्डर कर देगी। कोई आइडिया है? मैं लिखना बंद कर देती हूँ पर गॉड। नो 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 गॉड, ये तो बस एक छोटा सा झूठ है, जब मामा वापस आएगी तब उसे डील कर लेंगे। ओके ओके, फिर मैं लिखती रहूं? हाँ, लेकिन ओवर डू मत करना। ओके, इजी। या इजी। वरुण ना? हाय वरुण। हाय। आशी मुझे रोज फोन करके तुम्हारे बारे में पूछती है, ऐसा क्या कर दिया है तुमने वरुण? रियली Really? अब उसे भी मेरी तरफ से आई हाय बोल दीजिएगा। Of course, वो तो एकदम over the top हो जाएगी। Okay then, मैं चलता हूँ। Okay, bye bye. Bye. देखा, किसी को खुश करने के लिए कितनी कम की जरूरत है। आप कह रही थी कि ओवरडू मत करना। मैंने ओवरडू किया क्या? यूवी, ये कौन सा कमरा है? ये मौर्य हाई का सबसे इंपॉर्टेंट कमरा है। Really? Really? Okay.
मौर्य के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। यूवी, तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली, ओके? डोंट ट्राई एंड एक्ट क्यूट विद मी। क्यूट? और मैं? नेवर, नॉट माय स्टाइल। यूवी, अभी यहाँ से चले, फ्राइडे को मिल रहे हो ना? फ्राइडे से पहले मिलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो। I gotta go now. Bye. Take care. अरे कोई है अंदर? दरवाजा लॉक क्यों है? कौन है? बोलो। नेक्स्ट पेल हो जाऊंगा। क्या कर रही हो यूवी? मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी, मैं हूँ यूवी। Just give me a minute, sir. युवराज, what are you doing inside? दरवाजा खोलो। बंद क्यों है दरवाजा? Please. Sir, just a second, sir. Sir, थोड़ी सी problem है, sir. No seconds, please open the door, sir, right now. Sir, I'm a little tied up, sir. Just give me a second. I don't believe this. Mr. Yuvraj, you open the door right now. Sir, just a second, sir. What just are you a doing second. Inside? One second, sir. One second. Please open the door right now or I'll report you. Yes, sir. One second, sir. One second. Mr. Yuvraj. Yes, sir. One second, sir. I'm coming, sir. You open the door right now, I tell you. Sir, one second, sir. One second. मैं तुम्हारे किसी फ्रेंड को यहाँ भेजता हूँ। थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, कौन? सर प्लीज सर, मुझे जाना भी है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट। नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो। ऐसी काफी चीजें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते। I don't believe this, dear. I don't believe this. तुमने चीटिंग की। चीटिंग की तुमने। Why didn't you study? पापा प्लीज सुनिए तो। टिया ने कोई चीटिंग नहीं की है। टिया ने सिर्फ वो नोट्स प्री को दिए थे टू स्टडी। अब प्री उन नोट्स के साथ पकड़ी गई तो मिस्टर चौधरी ने ये सोच लिया कि टिया चीटिंग कर रही है। किसी की चीटिंग में हेल्प करना वो भी गलत है। Don't you think so? Papa, Tia ne cheating nahi ki. Tia sirf Pri ki help kar rahi thi. She was just solving her problem. Ab ghar pe itni problems hai. To Tia ne socha ki kisi aur ki problem mein help karna theek baat hai. Acha. Kya main jaan sakta hu kaun si problem hai tumhe ghar pe? Really, Papa? Aapne Tia se ye pooch kaise liya? Ha? Papa, aapko nahi pata ki ye jo aapki friend hai, opportunist. Papa, books nahi padte kya? Ki dad parents ke aise partners bachchon ko kaise affect karte hain? तुम अब बच्ची नहीं होती है। ओह, तो टिया बच्ची नहीं है। फाइन, ठीक है। टिया का जब मूड करेगा टिया आएगी और जाएगी। नो कमेंट्स, नो सजेशंस, नो क्वेश्चंस। बात बदलने की कोशिश मत करो। पल्लवी का इस सिचुएशन से कोई ताल्लुक नहीं है एंड यू वेरी वेल नो दैट। सोनिया जी, मैं जरा अभी आती हूँ। ओके। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको कोई काम धंधा नहीं है? दूसरों की बातें सुनती रहती हमेशा। पापा प्लीज, टिया को एंबैरस मत कीजिए। राइट, इट्स ओके टिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक काम करो टिया, अपने पापा को एंगर मैनेजमेंट क्लासेस पर ले जाओ, बहुत जरूरी है। पहले आप बिहेवियर मैनेजमेंट क्लासेस ज्वाइन कीजिए। एंड टिया, आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। पापा, पर अब सब्जेक्ट फेल कर ही लिया तो स्टडी करने का फायदा क्या? स्टडीज टिया, स्टडीज। पर क्यों? ताकि टिया यहाँ स्कूल में पढ़ाई करे और आप उस गोल्ड डिगर के साथ पार्टी करे, इसलिए? Enough! No argument. When I said study, I mean study. Okay. टिया, तुम्हारे डैड तो टू मच है। आशी से कहना मुझे फोन करे और उसे कहना कि मेरा रियली बिग मिस्टेक और उसे कहना कि मरिया प्लीज आराम से, आप बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं। टिया को नहीं पता चलना चाहिए कि आशी वहाँ आ रही है। ऑल द बेस्ट टिया, वापस आके वहाँ की सारी खबर देना। ऑफ कोर्स बेब्स, और तुम देखना वहाँ सब लोग सिर्फ टिया को देखें। यू लकी डॉग, वहाँ हॉट चिक्स के बीच में
I hate you so much, man. Sid, it's not done. उस परी की battery out हो जाएगी if she knows that. रणवीर, उसकी photo ले लेना. मरिया, please. कैमल, तुम कहाँ जा रहे हो? इससे तो टिया आहूजा को कोई मतलब नहीं होना चाहिए. पर हाँ, हम Lakme Fashion House जा रहे हैं. How tacky! तुम्हें किसी ने invite नहीं किया, फिर भी तुम बिन बुलाए जा रहे हो? No, हम वहाँ invited हैं. और हाँ, one of the models हैं जिन पे वो designers कपड़े बना रहे हैं. Hey, awesome रणवीर, हम भी तो वहीं पे जा रहे हैं. Damn cool. I'll catch you guys there. चलो, I gotta go. Bye. Shubhi, टिया के साथ जा रहे हैं? जी हाँ, टिया के साथ जा रहे हैं. और तुमने टिया के पापा से कहकर अपने आप को हमारे साथ अटैच कर लिया है? No. हम वहाँ किसी और की वजह से जा रहे हैं. और हाँ टिया, आपके लिए वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज है. चलिए. कैमल, टैकी कैमल.